हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीताज किचन। तो आज की रेसिपी जो है, मैं लड्डू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ गणेश चतुर्थी के लिए। तो गणेश चतुर्थी में आप ये पीनट्स के लड्डू गणेश जी को चढ़ाइए, और किस तरीके से बनाने हैं इसका रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो ये लड्डू आप गणेश चतुर्थी में तो प्रसाद भोग के लिए बना ही सकते हैं, किसी फास्ट में भी आप ये बना सकते हैं, फास्ट में बना के खा सकते हैं। तो अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई, यूज़फुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये मैंने क्या क्या है ना, पीनट्स लिए थे छिलके वाले, छिलके वाले पीनट्स मैंने फ्राई पैन में गैस पे थोड़े से ड्राई रोस्ट कर लिए। इस तरीके से ड्राई रोस्ट करने के बाद ये छिलके मैंने उसके निकाल दीजिए, थोड़ा ठंडे होने के बाद छिलके इस तरीके से निकाल देना है आपने। निकालने के बाद ये इस तरीके के हो जाएंगे। तो इनको मैं थोड़ा सा मिक्सी जार में डाल के थोड़ा सा मैं इसको टर्न कर लेती हूँ, मतलब पीस लेती हूँ, इसका पाउडर बनाऊँगी। पाउडर कैसे बनाना है, इसको क्या करना, आपने एकदम से चला के, एकदम से नहीं पीसना, थोड़ा सा चलाइए फिर बंद कर दीजिए, थोड़ा चलाइए बंद कर दीजिए, इस तरीके से आपने पाउडर फॉर्म बनाना है। अगर आप इसको एकदम से ही बना देंगे, मतलब चला देंगे ना, तो इसमें तेल छोड़ देगा ये पीनट्स, तो आपका पाउडर नहीं बन पाएगा, फिर वो एकदम लिक्विड हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना। अगर आप पाउडर बना रहे हैं मूँगफली का, तो जैसे मैं बता रही हूँ आपने वैसे ही फॉलो करना है। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई, यूज़फुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर फ्री सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा पीस लेते हैं, पाउडर बना लेते हैं इसका। तो ये पीनट्स पाउडर मैंने इस तरीके से बना लिया है, आप देख सकते हो कि कितना अच्छा पीनट्स पाउडर बना है। तो जैसे मैंने जिस तरीके से बताया, अगर आप उसी तरीके से इसको पीसेंगे तो ये पीनट्स पाउडर बहुत अच्छा बनेगा। आप देख सकते हो इसमें कहीं ऑयल वगैरह नहीं छूटा है, तो जैसे मैंने बताया वैसे ही आप पीसें। चलिए बाकी भी सामग्री इसमें ऐड करते हैं। तो मैंने पीनट्स पाउडर लिया है यहाँ पे, साथ ही मैं एक छोटी कटोरी यहाँ पे डाल रही हूँ, ये कोकोनट डेसिकेटेड कोकोनट नारियल है, आप इजीली मार्केट में मिल जाएगा आपको। ये चीनी पाउडर है, चीनी पाउडर की जगह आप देसी खांड या जो भी खांड है वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर मिश्री यूज़ कर सकते हैं। तो ये आधी कटोरी मैंने लिया है मिल्क पाउडर, साथ ही मैं ये छोटा 5-6 पिंच ये मैं डाल रही हूँ ये इलायची पाउडर, ये होममेड इलायची पाउडर है। कैसे बनाना इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है, तो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट चेक करिए, इसे मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसको हमने हाथ से मिला लेना इस तरीके से। ये किसी भी, जो ये लड्डू मैं बना रही हूँ, आप चाहो तो इसकी बर्फ़ी भी जमा सकते हो, जो मैं अभी मिक्सर बनाऊँगी इसका आप बर्फ़ी बना सकते हो, क्योंकि मैं ये लड्डू बना रही हूँ तो आप लड्डू भी बना सकते हो। इसको हमने पहले मिक्स कर लेना। इसमें इस लड्डू को बनाने के लिए आपको गैस वगैरह की कोई झंझट नहीं है, गैस जलाना है, चाशनी बनानी कुछ नहीं करना है आपने, बस इस तरीके से मिक्स कर लेना। और इसमें ठंडा दूध डालना है हमने, थोड़ा थोड़ा करके डालना है ठंडा दूध, उबला हुआ ठंडा दूध आपने डालना है, ये चीज़ ध्यान रखना। उबला हुआ गुनगुना दूध बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, नहीं तो आपके जो भी आप लड्डू या बर्फ़ी जमा रहे हैं ना, तो वो सब ख़राब हो जाएंगे, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। एक हमें टाइट डो बनाना है इसका, थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के। तो अगर आपको ये मेरे टिप्स यूज़फुल लगें, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड फ्री सब्सक्राइब जरूर करें। आप इसमें चाहें तो कोई भी कलर देने के लिए कोई भी फूड कलर यूज़ कर सकते हैं। तो बस अभी हमें इसमें 4-5 चम्मच ही दूध डालना है। तो आप इतना बार दूध डालें कि कोई आधी कटोरी नहीं, या आपने एक कप नहीं, कप का कोई माप नहीं रखना है आपने इसमें, बस थोड़ा थोड़ा ऐड करते आप जाइए। और आपने टाइट डो बनाना है इसका। देखिए ये टाइट डो बन के रेडी हो चुका है, अब हम इसके लड्डू बना लेते हैं। तो ये डो हमारा बन के तैयार हो गया। इस तरीके से टाइट डो बनाना है, आप बर्फी या लड्डू के लिए इसी तरीके से टाइट डो बनाएंगे। तो ये नींबू के आकार का मैंने छोटे छोटे लड्डू बना रही हूँ, आप अपने पसंद से बड़े छोटे कर सकते हैं। आप दोनों हाथ से ये रेसिपी इस हथेली से में रख के और दोनों हाथ से प्रेस करके ये लड्डू बना सकते हैं, क्योंकि मैं एक हाथ से सारे वीडियो बना रही हूँ फ्रेंड्स। तो मैं इस तरीके से इस पर रख के गोल कर लूँगी। तो देखिए फटा अच्छा सब बन गया हमारा ये लड्डू। तो इसी तरीके से मैं सारा लड्डू बना लेती हूँ। चलिए एक और दिखाती हूँ आपको, इस तरीके का आपने तोड़ना है बोल, छोटे बड़े जैसे भी चाहो आप बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए, यूज़फुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड फ्री सब्सक्राइब जरूर करें। बिल्कुल फ्री, चैनल को चार्ज नहीं, चैनल को करना हेल्प करें, चैनल को फ्री सब्सक्राइब करके इस तरीके से लड्डू बनाना। ये लड्डू हमारा बन के तैयार हो चुका है। तो चलिए हम इसी तरीके से सारे लड्डू बना लेते हैं।
तो बस इस पे हम लगा देंगे चांदी का वर्क। ये इस तरीके से हमारे लड्डू बन के तैयार हो गए। ये पीनट्स के लड्डू आपको खाने में बहुत टेस्टी लगेंगे फ्रेंड्स, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। और इस बार गणेश जी को ये पीनट्स के लड्डू का भोग लगाएं तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे गणेश जी। और ये बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आपने देखा कि फटाफट से ये बन गए हैं। अगर आपके पास चांदी का वर्क है तो आप लगा यूज़ कर लीजिए, नहीं है तो आप ऐसे ही बना लीजिए। इस रेसिपी को बनाने के ये लड्डू बनाने के लिए या फिर इसका बर्फी का डो आप बना रहे हैं तो भी इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि लड्डू में जो आप ये मैंने जितना बताया प्रोसेस वैसा ही उसी प्रोसेस से आपने बनाना है। ये बहुत ज़्यादा आपने लिक्विड फॉर्म में मतलब पतला नहीं करना है, ये गाढ़ा ही रहेगा, हल्का हल्का सा आप दूध मिलाते जाइए। बस इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि इसमें कच्चा दूध आपने नहीं यूज़ करना है, क्योंकि अगर आप कच्चा दूध यूज़ करेंगे ना तो कच्चे दूध की स्मेल आएगी और वो आपके लड्डू जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे, तो आपकी सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आपने ध्यान रखना है कि इसमें जो दूध है वो उबला हुआ और ठंडा दूध इस्तेमाल करना है, ना ही गुनगुना चलेगा ना ही बहुत ज़्यादा गर्म चलेगा, बिल्कुल ठंडा दूध आप कर लें तब इसमें इस्तेमाल करें, तो उससे आपके लड्डू जो हैं बहुत टेस्टी बनेंगे ये, और आप ज़्यादा टाइम तक इसको रख भी पाएंगे। तो देखिए लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट जैसे, अगर आपको भी मार्केट जैसा लुक चाहिए लड्डू का तो जैसे मैंने प्रोसेस बताया आप वैसे ही ज़रूर ट्राई करें। और आप ये हफ्ते 10 दिन आराम से फ्रिज में रख के इसको खा सकते हैं, गणेश जी को भोग लगा सकते हैं। छोटे छोटे गणेश जी हैं आपके घर में तो आप उनको भी दे सकते हैं, देखिए बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे बहुत जल्दी लड्डू। तो अगर आपको रेसिपी आज की पसंद आई, यूजफुल टिप पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड फ्री सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। ये पीनट के लड्डू आप मार्केट जैसे घर में आप बना सकते हैं मिनटों में, तो आप घर में बनाइए, बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं, आप घर में बनाइए खाइए। और अगर और भी आपको लड्डू की रेसिपी देखनी है तो वो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। मैंने बर्फ़ी की रेसिपी भी डाली हुई है और पहले भी लड्डू मैं बना के डाल चुकी हूँ उसकी रेसिपी, तो वो भी प्लेलिस्ट में चेक करें। तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें, ग्रो करना हेल्प करें, चैनल को फ्री सब्सक्राइब करके। मिलते हैं एक नए लड्डू की रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।